अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद। हम लोग आप पहुँच चुके हैं सामरा। सामरा में रोज़ा है इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम का, जो उसकी भी ज़्यादा हम आप लोग को करवाते हैं। यहाँ पे ना सिक्योरिटी का बहुत वो है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स बहुत हैं बहुत हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पूरा। जो है वो मम्मा और माया वजू करने गए हैं, मतलब मेरा तो हुआ वही है। ये लोग सो गए थे गाड़ी में और कहते हैं अगर सो जाओ तो फिर वजू आपको टूट जाता है। नादे खड़ा हुआ है मेरे साथ, चॉकलेट खाने में बिजी, मुझे खिला भी नहीं रहा, भूखा ये रहा। अबे मुझे चॉकलेट नहीं देना, नहीं देना आपने चॉकलेट। हाँ मैं जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी का बहुत वो है, खास ख्याल रखा जाता है। खिलाओ। मामा वाले आ जाएं तो मैडम आ गई करके। माया कौन बोलता गाड़ी में सो, ये तो सो ही नहीं, वजू करना पड़ा। इतना दूर है आगे, हाँ यहाँ से दूर भी आते थे, इससे पहले भी आते थे, रात में आए थे, रात में आए थे। और तब जो बिल्कुल जंग वाली हालत थी और हम लोग रेंजर्स की गाड़ी में आए थे। मैंने सामना कर चुकी, इलाका है ना बहुत ख़तरनाक है और यहाँ पे हमेशा ना बंद आते सुबह के कावा पीते हैं, कि हर वक्त हमेशा यहाँ पे आए ना तो बहुत सख्ती बस से आए। इस बार भी ऐसा ही होगा, तो हम लोग गेट से उतरे वहाँ पर भी इस बस पर आए, अब आगे भी हम लोग बस में ही जाएंगे। अंडा पकड़ो इसे, फ्री में पैसे वैसे भी नहीं है। बड़ी कावा पिलाया था, बहुत गर्मी है लेकिन मैं गर्म नहीं पी सकती। अभी भी सामरा के हालात बहुत ख़राब हैं, कि हम लोग हमेशा रात के टाइम आए ना, फर्स्ट टाइम हम लोग ना दिन में आए होंगे। सिर्फ आर्मी की वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी वजह से भी हम लोग हैं यहाँ पर। तो अभी चेकिंग, फिर चेकिंग के बाद हम लोग अंदर, फिर मैं आप लोग को अंदर जाके दिखाती हूँ। आ गए हम लोग चेकिंग करवा कर। अभी चेकिंग में बहुत एक स्ट्रिक्ट कहा जाता है ना वैसी, और बहुत अच्छी से चेकिंग की है इन लोगों ने, अच्छा है, एहतियात रख रहे हैं। अभी भी हम लोग को अच्छा खासा लंबा चल के जाना है, सिर्फ जिनके चेक से बहुत जो आगे हो जाना है, हमें आगे चल के जाना है, बहुत थोड़ा सा आगे है। आगे अंदर वहाँ मजलिस होती है, हाँ यहाँ पे बहुत मुश्किल है वीडियोस बनाना, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको दिखाएंगे, हमें सारा नहीं बोल सकते कि हम सारा सारा आप लोगों को दिखा पाएंगे। ये भी काम चल रहा है हरम में, यहाँ पे ज़ियारत करेंगे, फिर दस्तरखान में जाएंगे मौला के, उसके बाद अंदर ज़ियारत करने जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक जरी के अंदर चारों कब्रें हैं, इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। और ख़वातीन की जानिब से और इधर से सरदाब का रास्ता है, वो रास्ता कि जहाँ पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने 5 साल की उम्र में ग़ैबत-ए-सुग़रा अख्तियार की थी,
और 70 साल गैबत सुगरा में रहे हैं, उसके बाद इमाम गैबत कुबरा में हैं। आज हम इमाम के घर में हैं। ये सामर्रा, इसको सुर्रा मर्रा कहा जाता है। सामर्रा यानी कि वो जो शख्स देखे वो खुश हो जाए। यहाँ पर अब्बासी हुकमा की छावनी थी और यहाँ पर इमाम को कैदोबंद में रखा गया था, इसी वजह से इमाम का लकब अस्करी, अस्करी यानी फौज वाला, छावनी में जिसको रखा गया हो उसको लश्कर वाले कहा जाता है। तो लिहाजा आज इंशाल्लाह हम मौला सामर्रा मुतहरा में हैं, इमाम के घर में आए हैं, इमाम ज़माना के घर में हैं। तो अपनी तरफ से, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों अहबाब की तरफ से नियत कर लें कि ज़ात इमाम अली नबी और ज़ात इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं मुर्रतन इलल्लाह और इसे कबूल चाहते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنا بما منتم به كافرا بما كفرتم به محققا لما حققتم مبتلا لما ابتلتم اسال الله ربي ربكم ان يجعل फातिमा की ब्लेसिंग थी। इसी जगह पर जमा हो जाए, ताखीर मत कीजिएगा, सफर लंबा है। अभी हम लोग जा रहे हैं तस्बीहान में, 11 बजे जब ज़ोहर असर पड़ेगा। चार रकात थी, चार दो दो करके कितनी हुई, 8 रकात थी वो पढ़ने। इसी जगह पर आ जाए बारिश होने के बाद। कितने बजे तक? 3 बजे तक। अभी तो 1:30 बज रहा है ना, 1:30 बजा है, 1.5 घंटा। नमाज पढ़नी है ना, जाना है। इस बंदी को पता नहीं क्या है, इतनी बस शर्म आ गई हद। यू नो अपना फेवरेट नोवा फॉर उसके सामने। हम जा रहे हैं मौलाना में आते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, फिर अंदर है दस्तखान मौला का। दस्तखान लो मौला का और वहाँ बैठ के खाओ, फिर ले लूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ सारा। माया अच्छा चलो, ये हमारा दस्तखान, ये मेरा है और ये फातिमा का, बाकी वो सभी बैठे हुए हैं। खाली अब हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत के लिए और नमाज के लिए। वाबे किबला नमाज पढ़ लें फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है चलती हूँ। Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
अब्बू अब्बू जगह देखिए।